सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तिब्रेण भक्ति योगेन यज्यते पुरुषं परम। उस परम पुरुष परमात्मा का यजन करना हो, उसको प्राप्त करना हो तो सबसे सरल साधन है। और वो सबसे सरल साधन कोई और नहीं है, वो सबसे सरल साधन एक ही है। हम निष्काम भाव से गोविंद की भक्ति करें, भगवान का भजन करें। क्योंकि हमारी श्रद्धा विश्वास से ही तो भगवान प्रकट होंगे। महाराज जी प्रश्न सुनाते थे, कहते थे बेटा कोई संत किसी पर, कोई देवता किसी पर कृपा नहीं करता। किस पर भगवान कितनी कृपा करेंगे, किसी पर संत महापुरुष देवता कितनी कृपा करेंगे, ब्राह्मण देवता किस पर कितनी कृपा करेंगे, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। हमारी उनके प्रति श्रद्धा कितनी है ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। एक कथा सुनाते थे बहुत सुंदर, कहते थे एक समय की बात है, एक संत थे, एक महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। देखते देखते उनके खूब सारे शिष्य हो गए, गृहस्थी, फिर पैसे वाले भी चेला बन गए। पहले विरक्त थे लेकिन देखते देखते चेला आए तो खूब सारे, बड़ा आश्रम बन गया। देखते देखते धीरे धीरे धन भी इकट्ठा हो गया, इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई कि धन के अंदर जो 15 दोष है, धन में दोष है महाराज, धन में 15 दोष है। और वो धन का दोष गुरु जी में आ गया। दोष धन का था, सो धन का दोष गुरु जी में आ गया। गुरु जी की बुद्धि मलिन हो गई, देखते देखते गुरु जी पतित हो गए, धर्म से ही गिर गए। इतने पतित हो गए कि धन के दोष के कारण गुरु जी ने नाचने वाले को साथ रख लिया। हाँ, सत्य घटना है। धन दोष के कारण बुद्धि मलिन हुई, गुरु जी पतित हो गए, तो वो नाचने वाली वेश्या घर में रहने लग गई, आश्रम में रहने लग गई। देखते देखते जो सेठ सौकार थे, बड़े बड़े चेला, तो धीरे धीरे आश्रम छोड़कर चले गए। उनके कुछ शिष्य महात्मा थे, वो महात्मा भी देखते देखते आश्रम छोड़कर चले गए। केवल एक शिष्य बचा, और वो भी क्यों बचा, क्योंकि वो गुरुजी में देह बुद्धि नहीं रखते थे। गुरुजी शरीर नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात ब्रह्म है गुरुदेव, तो साक्षात भगवान है। तो जैसे भगवान लीला करते हैं ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान लीला, ऐसी उसकी पक्की निष्ठा। चेला पक्का था, पक्की श्रद्धा विश्वास वाला, उनकी निष्ठा पक्की थी। इतना ही नहीं, वो गुरुजी की सेवा ना करता महाराज, रसोई की भी सेवा करता, आए गए के भोजन की भी व्यवस्था देखता, और गुरुजी जिससे प्रसन्न हो वो हर काम करता। अब देखो गुरुजी की सेवा से तो गुरुजी प्रसन्न नहीं होते थे, लेकिन यदि कोई नाचने वाले की सेवा कर दे तो गुरुजी बड़े खुश होते थे। हाँ, तो भी महात्मा, उसने मन में कभी विचार नहीं किया हम संत बने हैं गुरु सेवा के लिए, हम ये नाचने वाले का लहंगा फरिया क्यों धोएं? नहीं नहीं, गुरुजी जिससे प्रसन्न हो तो सो, तो हमारे लिए तो भगवान है। ऐसा भाव मन में रख करके खूब गुरुजी की सेवा करता हूँ। सब देखते देखते गुरुजी को छोड़कर चले गए, केवल वो एक संत, एक महात्मा वो बचा, जिसके गुरुजी के प्रति एक निष्ठ भाव था कि गुरु ब्रह्म है, परमात्मा है। ऐसा भाव रखकर गुरुजी की सेवा करने लगा। कहां तक कहे भैया, उसकी गुरु निष्ठा, उसकी गुरु सेवा को देखते हुए एक दिन साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए, गरुड़ पर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान को प्रणाम किया, जय जय प्रभु। भगवान कहते हैं बेटा तेरी गुरु निष्ठा को देखते हुए मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे गुरु के प्रति इतना भाव श्रद्धा देखकर मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ वैकुंठ चल। चेला कहते हैं बात तो सही है प्रभु, लेकिन आज तक बिना गुरुजी के आज्ञा से तुमने कोई काम किया नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम गुरुजी की आज्ञा लेकर आते हैं। नारायण भगवान कहने लगे गुरुजी को क्यों पूछ रहे हो, हम तुम्हारे गुरुजी के लिए नहीं आए, हम तो तुम्हारी निष्ठा श्रद्धा देख करके तुम्हें लेने आए हैं।
और ऐसे भी तुम्हारे गुरुजी तो पतित हो गए हैं। तो चेला कहने लगा, आपको बुलाया किसने है? किसके बुलाने पर आए हो आप? कहते बेटा तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से तो प्रसन्न होकर हम आए हैं। कहते वो भक्ति तुम्हारे गुरु के प्रति है, वो श्रद्धा निष्ठा तुम्हारे अपने गुरुदेव के प्रति है, और उन्हीं गुरु की सेवा से आप प्रकट हुए हैं, और वहीं खड़े खड़े आप हमारे ही गुरु जी की निंदा करते जा रहे हो। हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है, आप जिस बेकुंठ से आए हो अपने उसी बेकुंठ चले जाओ। भगवान कहते बेटा इतना नाराज क्यों हो रहा है? तो गुरु जी को पूछिए। गुरु जी के पास गए, चेला कहने लगा, गुरुदेव साक्षात नारायण गरुड़ पर बैठकर हमें लेने आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम चले। गुरु जी कहने लगे बेटा हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते वो भारी तो खड़े गरुड़ पर। अचानक गुरु जी को याद आ गया, अरे हम तो पतित हो गए हैं, लेकिन इसकी सेवा निष्ठा भाव देखकर लगता है साक्षात तो स्वयं भगवान आए होंगे। गुरु जी कहने लगे बेटा तुम बेकुंठ जाओगे तो आज तो हमारे प्रति किसी की भी श्रद्धा नहीं है, अब बुढ़ापा आने वाला है, कोई हमारी सेवा करेगा नहीं, तो अंत समय में हम हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं, हम नहीं चाहते तू बेकुंठ जा। जय जय गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। बेकुंठ से नारायण आए हैं, लेकिन हम जाकर मना कर देंगे जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं। नहीं, एक उपाय और है। क्या उपाय है महाराज? उपाय यह है, यदि भगवान हमें भी साथ ले चले तब तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। कहते हम पूछ रहते हैं। चेला भगवान से कहता है, हे नारायण, गुरु जी कहते हैं हमें भी साथ ले चलो तब तो हम जाए। कहते कोई बात नहीं, तुम गुरु जी को भी साथ ले चलो। तब तक वो नाचने वाली आ गई, गुरु जी का पैर पकड़ लिया। अरे तब तक तो सात जन्म तक की साथ निभाने की कहे थे, और आज भगवान को देखकर ही बदल गए। गुरु जी कहते देख बेटा, अब वादा तो हमने इससे पक्का किया है, इसको छोड़ने वाले तो मैं नहीं, अब तो ये भी साथ जाएगी तब हम जाएंगे। चेला कहने लगा, हम तब जाएंगे यदि गुरु जी जाएंगे, और गुरु जी तब जाएंगे यदि नाचने वाली जाएगी। अब भगवान निर्णय आपका है। भगवान कहते हैं बेटा, जिसका शिष्य भी इतनी निष्ठा वाला हो ऐसे गुरु जी में कहां दोष हो सकता है। चलो तुम तीनों वैकुंठ गरुड़ पर बिठा कर स्वयं भगवान उन तीनों को वैकुंठ ले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय।